गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शुमाइला बाय फूड विद शमी। टुडे रेसिपी इज ढाबा भिंडी। सो लेट्स मेक विद मी व्यूवर्स। मैं आज ढाबा स्टाइल की भिंडी बना रही हूँ। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने आधा किलो भिंडी ले ली है, इसका मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। और ये प्याज है, चॉप्ड प्याज है, दो मीडियम साइज की। ये दो कप मैंने टमाटर की प्यूरी निकाल ली थी। ये कसूरी मेथी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन है, ये 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, कुटी मिर्च, 1 टेबल स्पून चॉप्ड ग्रीन चिली है, 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक है यानी लहसुन है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया मैंने, नमक हद ज़ायका लिए। मैंने सबसे पहले पैन चढ़ाया, इसमें 1 कप ऑयल डालूंगी, चॉप्ड प्याज डाल दिया, प्याज का मैं चलाऊंगी और गोल्डन राइट गोल्डन होने पे हम तक इसको फ्राई करती रहूंगी। फिर साथ ही मैं ये भिंडी भी डाल दूंगी, इसको साथ ही फ्राई करूंगी ताकि प्याज और भिंडी एक साथ फ्राई हो जाए। और मीडियम लो हीट रखूंगी मैं। थोड़ा तेल और डाला मैंने, 3 से 4 टेबल स्पून। ये देखिए ये डन हो गया, तो एक साइड रख दी मैंने। एक मैंने बॉक्स चढ़ाया, इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया, इसमें चॉप्ड लहसुन डाल दिया, चॉप्ड हरी मिर्ची डाल दूंगी, जीरा डाल दिया, अजवाइन डाल दिया। इसका मैं स्टर करूँगी, चलाऊँगी, मीडियम लो हीट रखनी है। और ये टमाटर की प्यूरी मैंने डाल दी, आँच के थोड़ी मीडियम करूँगी, इसको चलाती रहूँगी। और ये लाल कुटी मिर्च डाल दूँगी, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया, नमक डाल दूँगी। इसको फिर दोबारा चलाऊँगी मीडियम लो हीट पे, इसको कवर कर दूँगी मैं 15 मिनट के लिए लो हीट पे। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया, ऊपर आ गया, ऊपर अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। और ये जो मैंने भिंडी फ्राई की थी प्याज के साथ, इसका मैं डाल दूँगी और लो हीट भी रखूँगी, बराबर चलाऊँगी। फिर इसमें मैं 2 टेबल स्पून क्रीम डाल दूँगी, 1 टेबल स्पून दही डाल दिया, आँच को लो रखूँगी मैं, फ्लेम को स्टर करूँगी सही से, इसको कवर कर दूँगी 25 मिनट के लिए। इसको पकाऊँगी लो हीट पर। 25 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया और इसमें कसूरी मेथी डाल दी, दोबारा 5 मिनट के लिए मैंने रख दिया। ऑयल ऊपर आ गया, इसको चम्मच से नहीं चलाना है। ये भिंडी तैयार है, इसको मैंने सर्व कर दिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकअल्लाह।